asalaamu As alaikum students welcome to Virtual university's class on production and operations management my name is Marif sohail and our lecture for today is forecasting up till now we have discussed the basic concept behind this important term and terminology of forecasting we have seen that we cannot limit forecasting to the field of marketing alone rather it finds critical application in nearly all the major fields of business whether it's Information systems, whether it is operation management, whether it is accounting or whether it is finance, we will come across the concept of forecasting. And all the functional managers talk about forecasting in their own domain as well as in their own basic frame of reference. We discussed the various types of forecasting. We talked about qualitative forecasting, and when we discussed qualitative forecasting, we talked about the judgmental type of forecasting. And then we talked about quantitative forecasting. In fact, when we talked about quantitative forecasting, we took some time out and solved some examples. And we discovered that of all the available techniques, we most of the time are using simple averaging or moving average as well as weighted moving average. In fact, we will try to solve two examples on weighted moving average today, and then we will talk about the concepts of associative forecasting. The concept of associative forecasting would require us to talk about regression, and we already know from our past experiences as well as knowledge from statistics that regression is a relationship between two variables in which the independent variable influences the dependent variable. We will also try to conclude our discussion on forecasting by recapturing all those important concepts which we covered in our earlier two lectures. Dear students, today's lecture is very important have discussion on forecasting. उसको हम अपने लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर लेके आए और लॉजिकल कंक्लूजन ये होगा कि हम वो कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस करते चले आ रहे हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से किसी एग्जाम्पल के साथ अप्लाई करें वेदर इट्स प्रोडक्शन वेदर इट्स मैनुफैक्चरिंग वैदर इट्स ऑपरेशन और वैदर इट्स सर्विसज द इंटेंट इज द सेम द इंटेंट इज दैट वी आर ट्राइंग टू मेक अ प्रोडिक्शन अबाउट द फ्यूचर और प्रडिक्शन फ्यूचर के लिए करना मुश्किल भी है और आसान भी मुश्किल किस तरह से बिकॉज इफ यू आर अन अवेयर ऑफ दी अनसर्टन एलिमेंट्स अटैच टू योर प्रोडक्ट और सर्विस वेदर इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल वी कवर दैट इन दी प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग किसी एक ऐसे नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे जिसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि फोरकास्टिंग की इम्पोर्टेंस किस तरह से एंड ऑल्सो एज ए रूल ऑफ थम वील

आपको क्लियर हो जाएगा कि किस जगह पर किसकी ज्यादा इफ़ादियत है और किसकी इफ़ादियत थोड़ी सी कम है आइए एक हम एग्जाम्पल देखते हैं अबाउट वेटेड मूविंग एवरेज एंड वील ट्राई टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप एंड इन द प्रोसेस हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मज़ीद अपनी इंप्रूव कर लेंगे पहली बात तो यह कि हमें मालूम होना चाहिए कि वेटेड मूविंग एवरेज क्या है वेटेड मूविंग एवरेज इज ऑफन डिफाइंड एज द फॉर्मूला विच यू ऑलरेडी नो फॉर सिंपल मूविंग एवरेज एक्सेप्ट देट यू असाइन सम वेट्स टू डिफरेंट फोरकास्ट हमने पहले भी कहा था कि जितना फोरकास्टिंग होराइजन बढ़ता जाएगा आपकी जो फोरकास्टिंग की एबिलिटी है या जो उसकी एक्यूरेसी है वो मुतासर होगी तो वेटेड मूविंग एवरेज में यह किया जाता है कि पहले एजम्पन ली जाती है कि जो वेट्स आप असाइन करेंगे उनको जब आप जमा करेंगे तो इट शुड एड अप टू वन दूसरी एजम्प्शन दूसरी एजम्प्शन ये है दैट यू शुड बी एबल टू असाइन मोर वेटेज टू द रीसेंट वैल्यूज किस तरह से आइए देखते हैं आप डिफाइन करेंगे कि फॉर्मूला फॉर मूविंग एवरेजेस फोर कैश फॉर टाइम पीरियड टी रेप्रजेंटेड बाई एफ टीवल डब्ल्यू वन टाइम्स ए टी माइनस वन प्लस डब्ल्यू टू ए टी माइनस टू प्लस डब्ल्यू थ्री ए टी माइनस थ्री सो ऑन एंड सो ऑन टल द टाइम आपके पास आखिरी वेरेबल आ जाए जिसको आप रिप्रजेंट करते हैं डब्ल्यू एन टाइम्स टी एन माइनस एन से और आप ये भी कह सकते हैं कि डब्ल्यू टी जो है वो हमारे पास तो ऐसा वेट है जो किसी भी गिवन टाइम पीरियड से आपने एसोसिएट कर दिया अब जो गौर तलब बात है वो ये है कि जो आपकी मूविंग एवरेज फॉर्मूला था वो एक इक्वल वेट देता था सारे वैल्यूज को यानी जो वैल्यूज आप कंसिडर कर रहे थे फॉर एवरेजिंग प्रोसेस उसमें वो तमाम वैल्यूज को एकवल वेटेज देता था इसके बरक्स वेटेड मूविंग एवरेज आपको अन वेटिंग प्रोवाइड करता है और ऐसी सिचुएशन में आप ये देख सकते हैं कि जो ज्यादा इंफोसिस है वो मोस्ट रीसेंट डेटा पे दी जाती है लेट्स टेक अ मिनट आउट एंड कंस्ट्रक्ट अ सिंपल डेटा फॉर द एग्जांपल। सवाल यह है कि गिवन द वीकली डिमांड एज वेल एज द वेट व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर द फोर्थ पीरियड और वीक नंबर फोर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए आपके सामने डेटा मौजूद है दो कॉलम्स में आपको डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है पहले कॉलम को आपने टाइटल दे दिया वीक का और दूसरे कॉलम को आपने टाइटल दे दिया डिमांड का अब आप देखिए कि आपके सामने जो वीक वन है उसके आगे डिमांड की वैल्यू दी गई है 650। वीक टू के सामने जो डिमांड है वो 678 दी गई है वीक नंबर थ्री के आगे डिमांड दी गई है सेवन और वीक नंबर फोर को आपने फोरकास्ट करना जैसे कि मैंने आपसे अर्ज की थी कि वेट्स जो असाइन किए जाते हैं वो करीब तरीन वीक को ज्यादा वेट दिए जाते हैं रीजन बीइंग कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी करीब तरीन एक्चुअल वैल्यू है या एक्चुअल डिमांड वैल्यू है हमारे एग्जाम्पल में वो ज़्यादा रोल प्ले करेगी इन दी फोरकास्ट वैल्यू फॉर दी वीक टू बी प्रडिक्टेड यानि अगर आप वीक नंबर फोर में प्रडिक्शन देना चाह रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा वेटेज दें वीक नंबर थ्री को जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू 720 रिफ्लेक्ट हो रही है और उससे थोड़ी कम वेटेज आप दीजिए वीक नंबर टू को और यकीनन सबसे ज्यादा कम आप वेटेज देंगे वीक नंबर वन को अगेन द सेम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन द लॉन्गर दाइजन द लेस इफेक्टिव एंड एक्यूरेट वुड बी योर फोरकैस्ट अब हमने कह दिया कि जी वेट्स प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन द मोस्ट रिसेंट डेटा यानी अगर आप वीक नंबर थ्री के डेटा को देखेंगे तो उसका वेट हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वीक नंबर वन से अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल एग्जैक्टली exactly. आपने वेट्स को आइडेंटिफाई कर दिया कि जी वीक नंबर वन का जो वेट है वो पॉइंट टू है और वीक नंबर टू का जो वेट है वो प्वाइंट थ्री है और वीक नंबर थ्री का जो वेट है वो पॉइंट है तो उसके बेसिस के ऊपर अगर आप फोर फॉर द वीक फोर कैलकुलेट करना चाहें तो योर फॉर्मूला वुड बी डब्ल्यू वन टाइम्स द एक्चुअल वैल्यू फॉर वीक नंबर वन प्लस डब्ल्यू टू टाइम्स एक्चुअल वैल्यू फॉर वीक नंबर टू डब्ल्यू थ्री टाइम्स एक्चुअल वैल्यू फॉर वीक नंबर थ्री अब आप

अब आपके सामने जो 0.2 है वो आपके पास वेट था फॉर वीक नंबर वन और 650 एक्चुअल डिमांड पैटर्न था आपके पास वीक नंबर वन के लिए जब आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे तो यूल एंड अप हैविंग एन आंसर ऑफ 693.4 ये तो एक आसान सा एग्जांपल आपके सामने रखा गया अब थोड़ी सी हम सिचुएशन को चेंज करते हैं द प्रॉब स्टेटमेंट इज वीकली डिमांड इंफॉर्मेशन एंड वेट्स वट इज द मूविंग एवरेज फॉर कैश ऑफ द फिफ्थ पीरियड और वीक फॉर अ सेलुलर फोन कंपनी सवाल यह है कि जनाब आपकी कोई सेलुलर फोन कंपनी है जो सेल्स प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर रही है एंड दे डिस आर गोइंग टू नीड अ फोर कैस वैल्यू फॉर देर वीक नंबर फाइव उनके पास वीक नंबर फोर तक का डेटा अवेलेबल है और डेटा आपके पास ये है कि वीक नंबर वन में आपने तकरीबन 820 मोबाइल्स की सेल की वीक नंबर टू में आपने तकरीबन 775 मोबाइल्स की सेल की वीक नंबर थ्री में आपने 680 मोबाइल्स की सेल की और वीक नंबर फोर में जो सेल्स की गई वो 655 की थी अब अगेन यूजिंग द सेम प्रिंसिपल यू यूल वेट्स higher weights or heavier weights to the closest actual value. the t minus 1 would be reflecting week number 4 and t minus 2 would be reflecting week number 3 and t minus 3 would be reflecting week number 2. based on this, you can calculate the forecasted value for week number 5. w3 times 655 plus W2 टू टाइम्स सिक्स प्लस डब्ल्यू टाइम्स योर डिमांड फॉर वीक नंबर टू आपके पास जो जवाब आएगा वो 672 होगा स्टूडेंट्स अब आपने दो टाइप्स ऑफ कॉन्टिटेटिव टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग को कवर कर लिया आपने पहले सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना सीखा एंड नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट वर्ट इट मूविंग एवरेज

उसमें आपने स्पेसिफाइड वेट्स असाइन कर दिए एक्चुअल वैल्यूज और आपने ये एग्जाम्पन uh, रखी दैट दी वेट्स विच आर टू बी असाइन वुड बी इन ऑर्डर ऑफ वेरिएबल लाइक अगर वीक नंबर फोर के लिए आपने फोरकास्टिंग करनी है तो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू वीक थ्री की आ रही है उसके लिए आप वेट की असाइनमेंट ज्यादा रखेंगे एज कम्पेयर टू the weight that you need to assign to week number 2 Up we can discuss the third type of quantitative forecasting which is exponential smoothing model exponential smoothing model makes use of the idea of weighted moving average to some extent as well as simple moving average that premise या एक ऐसी बात स्टेट कर दी जाती है जिसको हम कोशिश करते हैं कि प्रूव कर सकेंगे ये दुरुस्त बात है। हम ये कहते हैं कि द मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेश माइट है हाइस्ट प्रोडिक्टिव्यू दे शुड गिव मोर वेट टू द मोस्ट रिसेंट टाइम पीरियड्स वाइल कैरिंग आउट फोरकास्टिंग एक्सोनेशियल स्मूदिंग को अगर आप फॉर्मूला की सूरत में देखना चाहें तो फॉर्मूला कुछ यूं बनता है दस्टेड वैल्यू एफ टीवल एफ टी माइनस वन प्लस एल्फा टाइम्स ए टी माइनस वन माइनस एफ टी माइनस वन इसको आप यूं भी पढ़ सकते हैं कि दोडक्ट एल्फा टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड फॉर कैसटेड वैल्यू फॉर टाइम पीरियड टी माइनस वन इफ यू एड इट टू एफ टी माइनस वन फोरकास्टेड वैल्यू फॉर टाइम पीरियड टी यानी इसको अगर आप मजीद बारिक बीनी से देखना चाहें तो यू कैन से दैट आपके स्क्रीन के सामने मौजूद है वेटेड एवरिंग मैथड बेस्ड ऑन प्रीवियस फोरकै प्लसेंटेज ऑफ द फोरकैट एर अगर आप एक्चुअल और फोर कैस्ट या एक्चुअल और फोर कैस्टेड वैल्यूज का डिफरेंस देखें तो इसको आप एर टर्म का नाम दे देते हैं और यही चीज हम लोग आगे चल के अपने रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट में भी इस्तेमाल करेंगे एंड वील कैलकुलेट दी मीन एर एरर एज वेल इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि अल्फा क्या है अल्फा इज द परसेंटेज फीडबैक या अल्फा इज द स्मूथिंग कांस्टेंट अब आपके सामने फार्मूला मौजूद है अगर आप एक दफा फिर इस फार्मूला को देख लें तो वी कैन सॉल्व एन अदर एग्जाम्पल फार्मूला इज दैट F t is the forecasted value for the coming time period t. Ft minus 1 is the forecasted value in one time period less than the time period t t minus one time period. Similarly, a t minus 1 is the actual occurrence in the time period t minus 1. Alpha of course we know is the smoothing constant. So let's take another example. Example heji, given the weekly demand data, what are the exponential smoothing forecast for periods 2 to 10 using alpha is equal to 0 0.1 and alpha is equal to 0.6 and our assumption is that the forecast week 1 is actually its demand here is the data in the form of a table here we the column number 1 you can the actual demand from week number 1 to week number 9 actual demand. मौजूद है आपके सामने डिमांड पैटर्न तमाम वीक्स के मौजूद हैं देखिए वीक नंबर वन में डिमांड है 820 की वीक नंबर टू में डिमांड है 775 की वीक नंबर थ्री में डिमांड है 680 की वीक नंबर फोर में डिमांड है 655 की वीक नंबर फाइव में डिमांड है 750 की वीक नंबर सिक्स में डिमांड है 802 की वीक नंबर सेवन में डिमांड है 798 की वीक नंबर एट में डिमांड है सिक्स हंड्रेड एंड एटी नाइन की और वीक नंबर नाइन में डिमांड है जनाब सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव की आपने अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में मजीद रिफाइन किया और आपने एल्फा का एक इजाफी कॉलम एड किया एल्फा रिप्रजेंट करता है स्मूदिंग कॉन्स्टेंट को आप ये भी बात जानते हैं देट यू कैन ओनली फॉर कैस वन टाइम पीरियड इन टू द फ्यूचर इसीलिए आपके सामने एक एग्जाम्शन शुरू में रख दी गई थी दैट एफ वन एक डी वन तो आप देखिए अगर आपके पास एल्फ़ा की वैल्यू पॉइंट वन हो तो आपकी जो कैलकुलेशन हैं वो किस तरह से निकलेंगे फॉर वीक नंबर वन अंडर एल्फा एक टू पॉइंट वन योर फॉर कैस्ट वैल्यू वुड बी एट ट्वेंटी फॉर वीक नंबर टू Your forecasted value would again be 820. Why is it so? We stated that forecasting value equals the demand, which is like F1 equals T1. If you calculate week 3 calculate, you have a formula And since you are making use of Microsoft Excel, you have the facility as well as the ability to calculate the difference between the forecasted value and the demand. Are the difference of actual and forecasted value. So, based on this, your mm -hmm. week 3 key value I give for alpha equal to 0 0.1 would be 815.5. Your week number 4 should have a value of 801.95. Your week number 5 should have a value of 787.26.

एल्फा इक्वल टू पॉइंट सिक्स बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न जिस तरह से आपने पॉइंट वन एल्फा के लिए वैल्यूज कैलकुलेट की है आप पॉइंट सिक्स एल्फा के लिए भी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे आप वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए विद द हेल्प ऑफ एक्सल वे बी द वैल्यूज यू कैन प्लॉट दन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ अब आप ये देख सकते हैं कि आपने जो ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया है उसमें डिमांड वेरिएबल्स को या डिमांड फॉर वेरिएबल्स को आपने वाई एक्सेस पे प्लॉट किया है और टाइम पीरियड यानी इन द फॉर्म ऑफ वीक्स आप एक्सएक्स के ऊपर ले रहे हैं यू कैन आल्सो अब्जर्व दैट द स्मॉलर एल्फर रिजल्ट्स इन अ स्मूदर लाइन इन दिस एग्जांपल। यानी कि जो आपने फॉर वैल्यूज कैलकुलेट की फॉर एन एल्फा वैल्यू ऑफ पॉइंट इट इज शोइंग स्मूदर पैटर्न और ट्वेंट एज कम्पेयर टू दिएबल वैल्यूज फॉर कैसटेड फॉर एल्फा वैल्यू ऑफ पॉइंट सिक्स आपके ग्राफ के सामने हमने जो एक्चुअल डिमांड है उसको रेड रंग की लाइन से रिप्रेजेंट किया है और जो आपके सामने वैल्यूज एल्फा पॉइंट वन को रेप्रेजेंट कर रही है और येलो लाइन की सूरत में आपके सामने है और सिमिलरली फॉर कैस्टेड वैल्यूज फॉर दी एल्फा वैल्यू ऑफ पॉइंट सिक्स इज रेप्रेजेंटेड बाई अ ग्रीन लाइन और आप देख सकते हैं कि जो आपकी येलो लाइन है वो आपकी डिमांड लाइन के काफी करीब है सो दैट इंडिकेट्स दैट स्मॉलर अल्फा वैल्यूज रिजल्ट्स इन अ स्मूदर लाइन इसके पीछे अगर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स क्लियर है तो वो इतनी सी बात है दैट वेन एवर यू आर हैविंग अ प्रॉबेबिलिटी फैक्टर अटैच टू इट और अ स्मूदिंग कॉन्स्टेंट वैल्यू इन दिस एग्जाम्पल द आइडिया इज दैट आप ये बता रहे हैं कि out of 100 at least 90 percent of the time you'll be correct but 10 percent of the time you may not be correct when you karte about alpha value of 0 0.6 that represents the fact that you may not be correct 40 percent of the time that is a big difference let's take another example Ab हमारे पास डेटा थोड़ा सा कम है लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि व्हाट आर द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फॉर फॉर पीरियड्स टू टू फाइव यूजिंग अल्फा इक्वल टू पॉइंट फाइव जी हाँ आप अपने स्क्रीन के सामने देखिए आपके सामने दो वेरिएबल्स हैं एक तो टाइम वेरिएबल है इन द फॉर्म ऑफ वीक जिसको हम मेजर कर रहे हैं बिटवीन वन टू फाइव और हमारे सामने एक ऐसा वेरेबल है जिसको हमने डिमांड का नाम दे दिया है और उसको हम कैप्चर कर रहे हैं इन कॉलम नंबर टू और हम ये भी देख रहे हैं कि कॉलम नंबर टू और कॉलम नंबर वन को हमने एक्सेल में जब टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो वीक नंबर वन के आगे वैल्यू आ रही है 820 की वीक नंबर टू के सामने आप वैल्यू देख रहे हैं 775 की वीक नंबर थ्री में आप वैल्यू देख रहे हैं सिक्स की और वीक नंबर फोर के सामने आप वैल्यू देख रहे हैं सिक्स की बेस्ड ऑन दिस यू कैन कैलकुलेट योर स्टेड वैल्यू वीक नंबर टू एस जी स्क्रीन के सामने आपके मौजूद है एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी आप देख सकते हैं कि वीक नंबर वन में जो फॉर कैसे दैट इज इक्वल टू द एक्चुअल डिमांड वैल्यू सो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर कैस्टेड वैल्यू गुड गिव यू जीरो एंड वेन यू मल्टीप्लाई विदा Constant, which is the smoothing constant, you will have the value of week number 2 as 820. Similarly, if you want to calculate the value for week number 3, the forecasted value for week number 3, you will calculate the difference calculate between the actual and the demand forecast value for week number 2 times the alpha constant, which is 0.5 in our case.

इसी तरह से वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग एंड वी कैन कैलकुलेट वेरियस कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज क्रिटिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज सब्सिट्यूट करने के साथ साथ आप अपनी कैलकुलेशन uh, भी कर सकते हैं दे इज अनदर एग्जांपल व्हिच आई शेयर इट विद यू इन अ वेरी सिंपल वे We've got the same time period values available to us from week number 1 to week number 12. We have the actual values represented by number 2 column and then we have the alpha value of point 0.1. We calculate the error for alpha point 0.1 and then we calculate the error values for alpha equal to point 0.4. You have data available and the same data is available to you through your handouts. This should be taken up as an exercise, and I would be more than happy to know that if you have any problem then so we can resolve it afterwards. But step by step, we can calculate the values under each alpha value for the forecasted variable. You can see the exact this Let's assume that these are the CNG prices which we come across in our city. हर दस पंद्रह दिन के बाद या हर हफ्ते उसकी वैल्यू में कुछ फर्क आ जातेशन इन दैल्यू इज रेपेंटेड एंड कैप्चर इन द कॉलम टाइटल्ड एक्चुअल एंड वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट दैस वैल्यू फॉर द सेम कमोडिटी और द सेम प्रोडक्ट विच एन आर के सी एन जी और हम लोगों ने दो उसके ऊपर स्मूदिंग कॉन्टेंट असाइन कर दिए फर्स्ट कैलकुलेट दैल्यूज विदेल वी कैन चेक वॉट आर द वैल्यूज वॉट यूर गोइंग टू डू एंड दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टू डे जब आप टेबुलेशन कंप्लीट कर लेंगे you are going to construct a graph again and when you are going to construct the graph you should be following the same routine which is that you are going to have the demand variable appear on the y-axis and the time period represented by weeks should appear on the x-axis you yeah. have actual values be available for week 1 to 10 and similarly you have the data as you calculated

मैनेजेरियल डिसीजन की बात करते हैं द इंटेंट इज दैट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पैटर्न और जब कभी आप क्वानिटेटिव फॉर कैसटिंग की बात करते हैं तो हमारा जो डिस्कशन होता है वो कभी भी कम्पलीट नहीं होता है टिल द टाइम वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द नॉन लीनियर ट्रेंड्स इंडिकेटिंग जब कभी आप कोई रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स लाइक सी एन जी एंड द प्राइस ऑफ सी एन जी एंड टाइम पीरियड तो आपने ये बताना होगा कि जी आपने एक वेरिएबल रखा सी एन आपने एक वेरिएबल रखा प्राइस ऑफ द ऑटोमोबाइल प्राइस ऑफ द ऑटोमोबाइल अगर ज्यादा होगी तो क्या सूरत हाल होगी या अगर आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बता रहे हैं सी को और आप डिपेंडेंट क्वांटिटी बता रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल आप बता रहे हैं प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल को तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वट है प्राइस ऑफ सी एन जी इंक्रीज एंड वॉट है प्राइस ऑफ सी एन जी डिकाइस ऑफ सी एन जी इंक्रीज करेगी तो लोग बड़ी गाड़ी को प्रेफर करने के बजाय छोटी गाड़ी को प्रेफर करेंगे और छोटी गाड़ी की सेल्स में आप इंक्रीज देखेंगे सो दे ट्रेंड काइंड ऑफ अ ओवर है स्क्रीन के ऊपर तीन नॉन लीनियर ट्रेंड्स अवेलेबल हैं। पहले को आपने पैराबोलिक ट्रेंड का नाम दिया दूसरे को आपने एक्सपोनेंशियल ट्रेंड का नाम दिया और तीसरे को आपने ग्रोथ टाइप ऑफ नॉन लीनियर ट्रेंड का जो पैराबोलिक नॉन लीनियर ट्रेंड आपके सामने है वो आप देख सकते हैं इट अपवर्ड्स इसमें पैराबोला में आपके जो टर्व होता है उसमें लेफ्ट और राइट आर्म्स की जितनी भी विट आ जाएगी उसके लिहाज से आप कह सकते हैं द तो पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स और ओपनिंग डाउनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन जो भी उसकी डायरेक्शन है एंड एट द सेम टाइम द रिफ्लेक्शन दैट द वैल्यू इज इंक्रीजिंग इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्म्स इज इंक्रीजिंग The idea is that the values are increasing. You have your calculus and mathematics class this represents a quadratic formula, and you should be able to identify these nonlinear trends in terms of your algebraic expressions, which again is beyond the scope of this class. So right now. एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट नॉन लिनियर ट्रेंड्स आपको पैराबोला का भी पता होना चाहिए आपको एक्सपोनेशियल का भी पता होना चाहिए और आपको ग्रोथ फंक्शन का भी पता होना चाहिए अब आपने एक्सपोनशियल स्मूदनिंग की बात कर ली बेस्ड ऑन दिस यू कैन इवन हैव एन अदर क्वांटिटेटिव टेक्निक अवेलेबल टू यू दी कॉल इट द लीनियर ट्रेंड इक्वेजन एन दिस यू Make use of the concept that there are two variables, and you are interested in calculating or determining the forecast for time period t. And if you know from your knowledge of calculus as well as analytical geometry that you can calculate the slope of a line as well as the intercept of a line, then you can calculate the actual forecasted value for any time period t. आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट की गई है इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट टाइम पीरियड जीरो एंड बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन एन इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स विच कुड बी एनी फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड जीरो टू फाइव डिपेंडिंग अपॉन आप किस किस्म की फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं इफ यू आर इन टू रियल लाइफ फाइनेंशियल डेटा मार्केट आपकी फोरकास्टिंग जो होगी वो और ज्यादा छोटे टाइम पीरियड्स के लिए होगी मीनिंग यू कैन एंड अप इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड इंटरवल्स टू इवन माइक्रोसेकंड्स। सिमिलरली यू नो दैट एफ टी इज द फोरकास्टेड वेरिएबल एंड इज अ फॉर्मूला अवेलेबल फॉर योर कन्वीनियंस टू कैलकुलेट द स्लोप एज वेल एज द इंटरसेप्ट सबसे पहले स्लोप बी को कैसे कैलकुलेट करेंगे the formula is n times summation of t y minus the product of summation t times summation y divided by n times the summation of t square variable minus the whole square of summation t complex formula

Without going into uh, the construction of this formula, since you have already covered it in your statistics class, we will calculate the intercept. The intercept A would be sigma y minus b times sigma t divided by n, where sigma y would be the summation of the variable y. The time variable summation is multiplied with slope, which you calculated before and then you divide it by the number of observations this would help you calculate the value of a let's take a small example in front of you t variable i.e. weak values hain from 1 to 5 now you have captured t square variable in the second column and column number three you have captured sales ko capture kiya hai. and then there's another column which is titled the product of t and y Ab हमने सी एन जी सेल्स की बात की थी पहले हमने ये देखा कि अगर हम वीक नंबर वन से लेकर वीक नंबर फाइव तक जाए तो कुछ सेल्स हुई हैं सी एन जी की या किसी ऑटोमोबील की या किसी भी वेरेबल की तो वो वेरेबल की जो सेल्स हुई वो हमने जनाब रिकॉर्ड कर ली अंडर वेरेबल टी फॉर वीक नंबर वन द सेल्स इज हंड्रेड एंड फिफ्टी फॉर वीक नंबर टू द सेल्स इज हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन फॉर वीक नंबर थ्री द सेल्स आर हंड्रेड एंड सिक्सटी टू फॉर वीक नंबर फोर द सेल्स आर वन हंड्रेड एंड सिक्स फॉर वीक नंबर सेवन अब आप ये देखिए आपके पास टी वेरेबल की जो तो वैल्यूज है वो वन टू थ्री फोर फाइव और अगर आप इनको स्कोर करें वुड बी फॉर वीक नंबर वन इट वु वन फॉर वीक नंबर टू इट वुड बी फोर फॉर वीक नंबर थ्री इट वुड बी नाइन फॉर वीक नंबर फोर इट वु सिक्सटीन फॉर वीक नंबर फाइव इट वु आप ये सिर्फ देख रहे हैं कि आपने टी वेरेबल को स्क्वेर जब किया तो वैल्यूज खुद बद एंड आपके पास पहले ही सेल्स वेरिएबल वाई की वैल्यूज मौजूद हैं अगर आप टी और वाई को मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर वीक नंबर वन यूड्यू ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टी वीक नंबर टू यूड अ वैल्यू ऑफ थ्री फॉर वीक नंबर थ्री यू ऑफ फोर हंड्रेड एंड एटी सिक्स फोर यूल है अब चाहे आप मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए फॉर समेत ऑफ टी समी स्क्वेर समेन ऑफ वेरबल वाई और समेत ऑफ द प्रोडक्ट टी वाई आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल अगर आप ये वैल्यूज अपने फॉर्मूला में इनकॉपरेट करें तो यू कैन कैलकुलेट द स्लोप वैल्यू एज वेल एज द इंटरसेप्ट वैल्यू स्लोप वैल्यू बी की वैल्यू आएगी तक़रीबन 6.3 और जो आपके पास इंटरसेप्ट ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 143.5 और एन वैल्यूज़ को जब आप इनकॉप्रेट करेंगे अपने बेसिक फार्मूला में जो था वाई इज इक्वल टू तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वाई इक्वल्स वन

की माइलेज या टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर सी की प्राइसेस ऊपर या नीचे जाती हैं तो हमारी ऑटोमोबील की सेल्स पर क्या इफेक्ट हो सकता है इफ यू आर ऑटोमोबील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहें दैट द प्राइस ऑफ सी एन जी रिफ्लेक्ट ऑन द सेल्स ऑफ ऑटोमोबील्स तो ये एक हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं या अगर हमने किसी पुराने लेक्चर में जिक्र किया था कि अगर प्रिडिक्शन ये आ जाए कि रेलेटिव ह्यूमिडिटी एट्टी टू नाइन्टी परसेंट है तो चांसेस ये हैं कि हम लोग अपने साथ किसी रेन कोट या अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए पूरा दिन गुजारेंगे सो वट टाइप ऑफ इंडिकेशन इज दिस रिलेशनशिप एक्चुअली एसोसिएटिव रिलेशनशिप ट्राइज टू कंस्ट्रक्टेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरेबल्स एंड द आइडिया इज दैट यू शुड हैडेंट वेरेबल प्रडिक्टेरिएबल एंड विद दैट यू कैन कैलकुलेट द इनफ्लुएंस इट एक्स ऑन डिपेंडेंट और प्रिडिक्टेड वेरेबल अगर आपने सी एनजी की प्राइस को कहा कि जी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या गैस या पेट्रोल की प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी कंजम्पशन को आप कह सकते हैं कि जी ये डिपेंडेंट वेरियबल है अगर प्राइस बढ़ेगी कंजम्पन कम होगी अगर प्राइस कम होगी कंजम्पन बढ़ जाएगी So, we should be able to identify what are the predictor variables. We can define predictor variables as those variables which are used to define or which are used to predict the values of the variables in which we are interested. The same example, CNG ki price badegi, automobile ki price nature. aege. So, the predictor variable is your CNG price and the predicted value is the automobile price.

Uh, we are trying to fit a line to set of points between two variables abap kmerzi have x-axis dependent variable and ya independent variable name but normally you need to follow certain conventions this is a aur important concept which we call the least squares line again the same idea is that we are trying to fit a line between the set of variables or have a straight line zariye distance between the straight line and the observed value calculate kertein, and then we call it the least square line and the least square line actually minimizes the sum of squared deviations around the line make example or the regression related and then we will try to sum up our lecture for today you've got two variables x and y Abhame screen pe x equals 7.

रिलेशनशिप यू कॉल दिस रिलेशनशिप एज द रिग्रेशन रिलेशनशिप ओवर हेयर स्ट्रेट लाइन सो दिस काइंड ऑफ सीम वेरी सिंपल लेकिन अभी आपसे कुछ देर पहले जिक्र हुआ था कि लीनियर ट्रेंड की जगह आपके पास पैराबोलिक ट्रेंड भी आ सकता है आपके पास एक्सपोनशियल ट्रेंड भी आ सकते तो बात जब कभी सिंपल लीनियर रिग्रेशन की होगी तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन ट्राइस टू फिट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू वेरियस डेटा पॉइंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑन द वाई एक्सेस वी रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑन एक्सेस वी आर रिप्रेजेंटिंग द इंडिपेंडेंट वेरियबल अब वाई वेरिएबल इज द रिग्रेस्ट वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द एक्स वैल्यू इज द इंडिपेंडेंट वैल्यू अब आप ए जो कि इंटरसेप्ट है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके सामने बी वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है विच इज द स्लोप ऑफ द रिग्रेस्ट लाइन अब आपके सामने वही दो फॉर्मूलाज हैं जो आपने पहले देखे थे बट इन टर्म्स ऑफ रिग्रेशन वी है डिफरेंट का इंटरसेप्ट एक्वल्स वाई मीन माइनस बी टाइम्स एक्स मीन बी इज द स्लोप और बी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बी इज कैलकुलेटेड बाई द रेशियो ऑफ समेन एक्स वाई माइनस एन टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ वाई मीन टाइम्स एक्स मीन डिवाइडेड बाई सम माइनस एन टाइम्स द स्क्स एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए वीक नंबर वन से लेकर वीक नंबर फाइव तक आपके पास सेल्स का डेटा है एंड वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अलियर एग्रेशन मॉडल एंड इसके जरिए हम फ्यूचर वीक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगेन यू मेक यूज ऑफ योर एक्सल सॉफ्टवेयर से लेके वीक फाइव की वैल्यूज आप उसमें टेबलेट कीजिए वीक नंबर वन की वैल्यू को स्क्वायर कीजिए वीक नंबर वन की वैल्यू को सेल्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो डिफरेंट वेरिएबल्स उनको आप सम कीजिए सम करने के बाद आप और ए और बी यानी इंटरसेप्ट और स्लोप को कैलकुलेट कीजिए आप इसको प्लॉट करेंगे तो यूल सी दैट जो भी रिग्रेस्ट फोरकास्टेड वैल्यू आ रही है वो पैटर्न फॉलो करेगी और उस पैटर्न को आप पढ़ चुके कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे अब जो बात हमने करनी है और कंप्लीट करनी है वो ये है कि इट इज पॉसिबल टू से आप ये भी देख सकते हैं प्रोडिक्टेड एंड प्रोडिक्टेड वेरिएबल जब कभी एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी तो जो Correlation coefficient Hogovsky value Zada Hogi. Dear students, in our discussion for today, we need to know that whenever you are going to employ the technique of regression, the concept is you should be able to make use of your knowledge of statistics as well as the idea that prediction and inference would only be correct for the specified range. यानी अगर मैं वीक नंबर वन से लेके वीक नंबर टेन तक का डेटा आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि जी आप इसके ऊपर एग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ कैलकुलेशन करके बताइए कि वुड बी ओके टू प्रोडेक्ट द सेम फॉर वीक नंबर 52 व्हिच इज एक्चुअली समथिंग अबाउट वन एयर हेड ऑफ अस द आंसर मे और मे नॉट बी ट्रू सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफर हेयर And this is a good indication that whenever you are going to make use of forecasting, you a clear cut 3 First and foremost, whatever relationship you are going to have, it should be linear. If it is linear, chances are that your prediction would be quite correct. Number 2, you should be able to identify those. इशूस विच इफ यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ कैन इम्प्रूव योर प्रोडक्शन और योर प्रोडिक्टिटी विच अगेन रिफ्लेक्ट्स टू एक्सी एज वेल एज कंट्रोल टू दिमास्टिंग देर आर थ्री पॉसिबल कॉशन प्वाइंट्स जो हम लोगों को हर हालत में रिग्रेशन एनालिसिस में अपने सामने रखने चाहिए सबसे पहली बात यह है दैट रिग्रेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू लीनियर रिलेशनशिप विद वन इंडिपेंडेंट वेरियबल दूसरी बात हम लोगों को कम से कम 20 ऑब्जर्वेशन का डेटा अगर अवेलेबल होगा ओनली देन वील बी एबल टू मेक अ गुड रिग्रेशन मॉडल आउट ऑफ इट एंड देर्ड अजाम्शन एज दैट ऑल ऑब्जर्वेशन आर वेटेड इक्वली जबकि हम देख चुके हैं कि जब हम वेटेड मूविंग एवरेज की बात कर रहे थे या स्मूथिंग फोरकैट की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि बाय प्लेसिंग अ हाई वेट टू दीसेंट वैल्यू यू टेन टू है मोर रिफाइंड बात हो रही थी फोर वेरियबल की एक बिटवीन एक्चुअल एंड प्रोडिक्टेड वैल्यू आपने मीन एबसलूट डिविएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टैट्स में पढ़ा वो भी आप फोर कैसे वेरियबल के लिए अप्लाई करते हैं इसी तरह से मीन स्क्र जिसको आप एम एसई कहते हैं विच इज द एवरेज ऑफ स्क्र उसकी भी एप्लीकेशन फोर वेरिएबल की एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल की जाती है इसी तरह से मेन एप्सोल्यूट परसेंटेज एरर और एम व्हिच इज द एवरेज ऑफ परसेंट एरर, इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ इन कॉपरेटिंग दूरेसीस्ट इन योर हैंड इंक्लूडेड टू और थ्री एग्जाम्पल्स जिनको आप स्टेप बाई स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के जरिए ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा वैन यू आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल फैक्ट बींग इनकॉपरेटेड इन टू यूर फोर कैस्ट वेरेबल तो आपके लिए सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन uh, के जरिए एक्चुअल और फोर कैस्टेड वैल्यूज को प्लॉट कीजिए ट्राई टू आइडेंटिफाई द्लेस वेयर यू सीफरेंस और वेर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द फोर वैल्यू इन क्रीजेस और मिनिमाइज इनफैक्ट Most of the manufacturing facilities in Pakistan incorporate the usage of control charts. And when so we discuss quality lectures, we will be talking about this concept again. Dear students, with this we come to the conclusion of our discussion on forecasting. हम लोगों के लिए जो ज्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो फोरकास्टिंग की एप्लीकेशन के साथ फोरकास्टिंग की डेवलपमेंट भी है वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई गुड फोरकास्ट साथ में हमारे पास क्वालिटेटिव फोरकास्ट और क्वान्टिटेटिव फोरकास्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी मालूम होने चाहिए इफ़ यू आर अन एबल टू मेक अ जुडिशियस यूज ऑफ क्वानिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव फोरकास्ट देन दैन आई वुड वोट बी unable to fulfill its prime objective, which is to give the organization some credential or some estimate which is truly reflective of what can happen in the future. Aisa na ho forecast apne prime objective se piche raaja thank you very much for your attentive participation and i sincerely wish that the concepts which we have learned in the last three lectures on forecasting would help us to become an effective operations manager for the